मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरु गोरखनाथ को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। इस दौरान प्रशासन द्वारा गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरी व्यवस्था की गई थी। मंदिर के गेट से श्रद्धालुओं को लाइन लगाने के लिए स्वयं सेवक व पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जो कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को कतारबद्ध करवा रहे थे तथा मंदिर के गेट पर श्रद्धालुओं की गहनता से जांच की जा रही थी। उसके बाद ही श्रद्धालुओं को मंदिर में जाने दिया जा रहा था। वहीं श्रद्धालु लाइन में लगते हुए अपनी बारी का इंतजार करते हुए मंदिर में पहुंचकर गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ा रहे थे। पुलिस प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के आगमन के लिए रूट को डायवर्ट किया गया था, जिससे कि श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में किसी तरह की असुविधा ना हो। जिसके संबंध में मंदिर में आए श्रद्धालुओं ने बताया कि गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी चढ़ाने का पर्व वर्षों से चला आ रहा है। हम लोग अपने माता पिता के साथ बचपन में ही मंदिर आकर गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते थे और अब भी आ रहे हैं। सनातन हिंदू धर्म में मकर संक्रांति पर्व का एक विशेष महत्व है। यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाने के लिए प्रदेश सहित देश के अन्य प्रदेशों से भी लोग खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं, जो कि गोरक्षपीठाधीश्वर व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा खिचड़ी चढ़ाने के बाद ही श्रद्धालुओं को खिचड़ी चढ़ाने की अनुमति दे दी जाती है। श्रद्धालु लाइन में लगकर भोर से ही खिचड़ी चढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद श्रद्धालुओं की सुरक्षा के फिक्र करते हैं और समय पर भ्रमणशील रहकर देखरेख करते हैं। मंदिर में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्रद्धालु प्रदीप कुमार सिंह, मनोज सिंह, नित्या पांडे, सुमन तिवारी, मंजू तिवारी, सविता देवी, रीना निगम, श्यामली सिंह, विकास कुमार यादव, प्रेम सागर और आयुष जायसवाल ने कहा। कैसा है आपकी कवरेज में बताता हूँ जी, हो गया हमने दर्शन सीखा बाबा महाराज का। जैसे आपका नंबर आता है आपको आगे बढ़ने के लिए स्वयं सेवक कहते हैं। आप आगे बढ़ करके शिवावतारी भगवान गुरु को श्रद्धा विश्वास की खिचड़ी चढ़ावे। खिचड़ी को इधर उधर गोरखनाथ जी के चरणों में ही चढ़ावे। आप सोचे आप पूरे वर्ष भर यह मन में मनोकामनाएं आगे बढ़ते रहे। भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी को अपनी खिचड़ी सत्तांग विश्वास की खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। इस ब्रह्म मुहूर्त में आप अपनी सत्ता और विश्वास की इसे भी आप सौभाग्यशाली है। कृपया ध्यान दें बीमारी तो सेवा गंभीर वस्तु के जाने वाले हैं। माता जी गौ माता जी भारत माता जी भारत माता जी। आप धीरे धीरे खिचड़ी को इधर उधर न फेंके।
जड़ी शिवावतारी भगवान गोरखनाथ जी के चरणों में ही चढ़ावे। आप सोचे आप पूरे वर्ष आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो रहा है, जिससे कि आप कमलेश जनाब सीताराम सुमान सुमान डॉक्टर आप बसंत सुमान पुत्री बसंत जसवन वर्षा नेपाल की रहने वाली है। मंदिर में धीरे धीरे प्रवेश करें, जैसा स्वयं सेवक आपसे बताते हैं तंत्र के तरफ से की गई है। आप धीरे धीरे आगे बढ़े, आप निश्चित ही आपका मेला थाने पे इंतजार कर रहे हैं। शिवलोन उधर जगदीश आगे बढ़ करके जगदम्बा पार्वती का राजा आपके पुत्र प्रियांशु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान मंदिर के सामने जहाँ कहीं भी हो नंदलाल गुप्ता प्रतीक्षा कर रही है। यहाँ से लगभग 11 बसों से कहाँ से है? अयोध्या मिल्कीपुर अयोध्या से। कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। क्या मान्यता है यहाँ? मान्यता तो हम लोग मानते हैं मान्यता पूरा होता है, इसीलिए हम लोग बराबर मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या क्या चढ़ाते हैं बाबा? बाबा को आज के दिन तो हम लोग खिचड़ी चढ़ाते हैं, खिचड़ी हो गया, हल्दी हो गया, और अपना प्रसाद के तौर पर प्रसाद चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं। मनोज सिंह कितने वर्षों से यहाँ? करीब 11 वर्ष हम लोग यहाँ आ रहे हैं। क्या मान्यता है यहाँ? हम लोग जो मानते हैं पूरा हो जाता है, कोई आज तक हम लोग जो माने हैं यहाँ पूरा हो गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी जगह है। हम लोग आए हैं कुमारगंज अयोध्या। नित्य पांडे। आप कितने वर्षों से यहाँ किसी से हैं? हाँ, कितने सालों से खिचड़ी चढ़ाने आ रही हैं? अभी पहली बार आया मैंने। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मतलब श्रद्धा थी मन में थोड़ा सा। क्या मान्यता है? मान्यता बहुत कुछ है, प्रिपरेशन करते हैं उसको निकालना है, और परिवार का मान्यता। कहाँ से आएंगे? भटनी से। बहुत टाइम से आते हैं, मुझे करीब यहाँ 25 साल हो गए आते हुए, और जब भी मैं गोरखनाथ मंदिर में, आज के दिन का खिचड़ चढ़ाने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन खिचड़ चढ़ाने से बाबा की विशेष कृपा रहती है अपने भक्तों पर, और पूरे गोरखपुर पर इनकी कृपा बनी रहे। बस इसे प्रार्थना के लिए हम लोग हमेशा आते हैं यहाँ। और मैं गोरखपुर की समृद्धि का वरदान मांगा है कि बस ऐसे ही बना रहे और आपका नाम ऐसे ही बढ़ता रहे, और हम लोग सभी सुख शांति से रहें। पूरे देश में सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तिवारी हूँ आपका? मंजू तिवारी। कहाँ से? बनारस से आए हूँ भगवान का खिचड़ चढ़ाने। बहुत महत्व सुनी थी तो मैं भी दर्शन करने आई हूँ। भगवान का नाम यहाँ गोरखनाथ बाबा का, तो यहाँ आई चढ़ाने में बहुत अच्छा दर्शन हुआ, बहुत प्रसन्न हुई, बहुत बढ़िया लगा। धन्यवाद। सविता देवी दूसरे साल है। क्यों मनाया जाता खिचड़ी?
कुछ मान्यता होती है तभी तो आप लोग आते हैं। क्या बोलो वहाँ से बोलो बोलो बोला हम ज्यादा दिन से नहीं आ रहे, 3 साल से आ रहे हैं। क्या मान्यता चाहते हैं? तीसरा साल है जी जी। मेरा श्यामाली सिंह बार है मेरा। क्या मान्यता क्यों मनाया जाता है जी? ये तो गोरखनाथ बाबा की वजह से माना जाता है, खिचड़ी चढ़ाया जाता है इसलिए माना जाता है। ये भी बताया जाता है कि मनोकामनाएं पूरी होती है जी? मनोकामनाएं पूरी होती है जी? वो तो पूरी होती है पर उसे मानना नहीं है ना, वो तो ऊपर वाला कभी देगा। मनोकामना तो पूरी होती है। श्रद्धेय श्री अनिल कृष्ण जी महाराज पीठाधीश्वर श्री प्रिया प्रारंभिक सभा प्रणाम। बोलिए गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय। देखिए शिव महाअवतारी गुरु गोरक्षनाथ भगवान को आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर देश विदेश से सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और गुरु गोरक्षनाथ भगवान को खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और खिचड़ी चढ़ाने से हम और आप सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। ये हमारा और आपका सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज ब्रह्म मुहूर्त में हम और आप सभी को गुरु गोरक्षनाथ भगवान को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर खिचड़ी चढ़ाने का एवं उनको प्रणाम कर आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर के गुरु गोरक्षनाथ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। खिचड़ी चढ़ाना क्या मानता है? देखिए आज क्या है कि आज हमारे सूर्य जो वक्री होते हैं, तो सूर्य वक्री जब होते हैं तो आज खिचड़ी का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे चावल का होता है तो हमारे सृष्टि का सबसे प्रथम अनाज है चावल, और चावल का खिचड़ी का दान होता है, तो चावल का सर्वोत्तम सबसे बड़ा दान होता है। इसलिए हम लोगों को चावल चढ़ाकर खिचड़ी का दान करना चाहिए। बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने गोरखपुर के इस उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से और नेपाल के तराई क्षेत्र से, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से लाखों की संख्या करीब 8 से 10 लाख लोग 8 से 10 कंपनी बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं। इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि बाबा गोरखनाथ जी गोरखपुर में एक भिक्षाटन करते हुए पहुंचे थे और लोग भिक्षा के रूप में उन्हें उस समय अन्य चावल दाल वगैरह देते थे, तो वही परंपरा आज भी चल रही है क्योंकि बाबा गोरखनाथ की खिचड़ी को भिक्षा के रूप में लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं, क्योंकि हर घर से चाहे गरीब हो अमीर हो ऊंच नीच का भेदभाव छोड़ के हर वर्ग के लोग किसी भी जात का हो तो सामाजिक समर्थता और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कोई अगर कैपेसिटी उसकी एक मुट्ठी चावल की है तो वो लेके आता है, कोई वगैरह वो भी लेके आता है, तो हर तरह के लोग हर वर्ग के लोग यहाँ पे बाबा गोरखपुर खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। और हम सब लोगों के लिए ये गर्व का विषय है कि श्री गोरखपुर एक सामाजिक समरसता का इतना अनूठा उदाहरण आपको इसमें कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हर घर से जब खिचड़ी चढ़ती है यहाँ पे आप देखें कल यहाँ पे एक अनाउंसमेंट हो रहा था तो एक मुस्लिम महिला अपने बालक से बिछड़ गई थी तो वो अनाउंसमेंट होकर उनको मिलवाया जा रहा था, तो हम लोगों को इस अनाउंसमेंट से पता चला कि इसमें कुछ मुस्लिम लोग हैं जो भी खिचड़ी चढ़ाने आए हुए हैं यहाँ पे, तो ये अपने आप में सामाजिक समरसता का अनूठा उदाहरण जो बाबा गोरखनाथ का खिचड़ी का योजना करना चाहिए। मैं सामाजिक समरसता के इस महापर्व में सभी श्रद्धालुओं को इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, मकर संक्रांति महापर्व बाबा गोरखनाथ उनके जीवन को सुखद बनाए और लोगों का भविष्य स्वस्थ रहे, उनके घर परिवार स्वस्थ रहे, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ।